हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोसालिया कस्बे में निजी वाहन से घायल सांड को भेजा गौशाला पांजरा पोल। समीपवर्ती पोसालिया रतन सागर स्थित एक प्लॉट में सांड करीबन दो दिन से घायल अवस्था में आवारा सांड तड़पते हुए पड़े मिलने की सूचना गौ भक्त कैलाश माली द्वारा ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को दी। उन्होंने तुरंत प्रभाव के जिले में पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण किराए के वाहन से कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पूर्व में माली द्वारा पशु चिकित्सालय को सूचना दी, वहां कंपाउंडर धारा सिंह की मदद से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घायल अवस्था में पड़े सांड का उपचार करवाया। ड्रिप व इंजेक्शन लगने से उसके हालत में सुधार हुआ। बाद में कार्यकर्ताओं ने लकड़ी और रस्सी के सहारे कड़ी मशक्कत से वाहन में रखवा कर पांजरा पोल गौशाला भेजा गया। इस दौरान गौ सेवक इंद्र सिंह राव, संजय माली, विक्रम सिंह राव, समाज सेवी गौ भक्त मूपाराम भिल, हिम्मत राम मीणा, छगन लाल मीणा, शंकरलाल राणा आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि पशु एम्बुलेंस वाहन की मांग को लेकर लंबे समय से वार्तालाप चल रही है। टोल प्रशासन व सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकांश हादसे फोर लाइन स्थित होते हैं। रात्रि में वाहन नहीं मिलने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वयं अपने माथे पर किराए का बोझ लेकर भी हमारी टीम 7 वर्ष से निरंतर घायल पशुओं की सेवा में लगे हुए है। पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और सेवा करना बंद नहीं हुए हैं। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द पशु एम्बुलेंस वाहन मुहैया करवाए। वही माली ने बताया कि हमें बेजुबान पशुओं का सहारा बनना चाहिए। आखिर इनका कौन है? हम ही इनकी सेवा के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हमारा मकसद सिर्फ फोटो वीडियो बनाना नहीं है, लेकिन आम जन और लोगों को जागरूक कर पशुओं की सेवा में लगाना है। इसीलिए और घर से गौ माता की रक्षा के लिए एक एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।